भगवान का संबंध अनंत कालीन है। भगवान जो चेतना के सूक्ष्म स्तरों में है, सत्व संपन्न में शिरोमणि कर्म फलदाता है। भक्त वो है जो पूर्ण समर्पण भाव से परमपिता परमेश्वर की निष्काम भक्ति करता है। मोरया। महाराष्ट्र के मोरया गोसावी गणपते भक्ति प्रदान के अग्रणी संत थे। उनका जन्म 1335 ईस्वी में भट्ट शालिग्राम के घर मोरगांव में हुआ था। भगवान मोरेश्वर की कृपा से शालिग्राम को संतान प्राप्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम मोरया रखा था। मोरया को बचपन से ही भगवान गणेश में अगाध श्रद्धा थी। वे नित्य मोरेश्वर गणेश जी के दर्शन करने जाते थे। चिंचवड़ से मोरगांव, जिसकी दूरी 80 किलोमीटर है, मोरेश्वर के दर्शन करने हेतु पदयात्रा करते थे। ते नमः ओम ओम गंग 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 ओम क्रम 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 ओम गंग गंग पते नमः ओम वाक पते नमः ओम विघ विनाशे नमः ओम समुखाय नमः ओम वाक पते नमः ओम गम 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 ओम गम 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 ओम क्रम 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 ओम समुखाय नमः। ओम विघ्न विनाशाय नमः। ओम समुखाय नमः। ओम वाक्पते नमः। देख लिया ना आप लोगों ने अंदर क्या तंत्र मंत्र चल रहा है। लगता है इस गांव की शांति भंग करने के लिए इस तांत्रिक को यहाँ पे भेजा गया है। गांव में जरूर कोई बड़ी विपदा आने वाली है। इससे पहले कि कोई बड़ी विपदा आए, हमें इस तांत्रिक को मार देना चाहिए। हाँ हाँ, मार देना चाहिए। देख लिया ना आप लोगों ने ये कितना बड़ा शैतान है। आग भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ए धूर्त आदमी, तू कौन है और यहाँ क्या काली विद्या कर रहा है? श्रीमान, आपसे कोई भूल हुई है। मैं कोई काली विद्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो श्री गणेश की पूजा कर रहा हूँ। गणेश? ये गणेश कौन है? गणेश जी ही परब्रह्म परमेश्वर है। उन्हीं से यह जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है। वही इस जगत के पालन करता है। उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। अच्छा, तो गणेश ने तुझे बचाया है? अरे तांत्रिक झूठ बोल रहा है, कोई गणेश वणेश नहीं है। अगर हमने इसे छोड़ दिया ना तो पूरे गांव में संकट आ जाएगा। तो बुलाओ उस गणेश को।
अगर गणेश नहीं आया तो तुझे हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं गणपति हूँ, मोरया मेरी ही पूजा कर रहा था, मेरे रहते हुए मोरया पर आंच भी नहीं आ सकती। मैं मोरया को ये वरदान देता हूँ कि आज से जब भी कोई शुभ कार्य होगा उसमें मेरे साथ मोरया का नाम भी जुड़ेगा, तभी वो कार्य संपूर्ण होगा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। मोरया गोसावी ने मराठी भाषा में गणेश जी पर असंख्य श्लोक लिखे और गणेश भक्ति का गुणगान करते हुए अनेकों अनेक साहित्य लिखे। वर्ष के हो चुके थे, अब उनके शरीर में वो क्षमता नहीं रह गई कि वो चिंचवड़ से मोरगांव तक पद यात्रा कर सके। गोसावी को एक पत्थर में दर्शन दिए ताकि मोरया जी को मोरगांव न आना पड़े। मोरया जी ने वो प्रतिमा चिंचवण मंदिर में स्थापित कर दी, जहां आज भी गणेश प्रतिमा मोरया गोसावी गणेश मंदिर चिंचवण में स्थित है। Gracias.